नमस्कार दोस्तों, कैरियर की रणसिच में आप सभी का स्वागत है। ओन जी सी दिल्ली देहरादून वरिष्ठ पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2018 का नोटिस अपडेट हुआ है 12 दिसंबर 2018 को। ठीक है, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में कंपनी में वैकेंसी का नोटिस अपडेट हुआ है। और देख लेते हैं इसमें टोटल वैकेंसी क्या दिखा रखी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC में दिल्ली और देहरादून में टोटल पोस्ट निकली है वो देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट दिखा रखी है 7 दिसंबर 2018 से अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 27 दिसंबर 2018 शाम को 6 बजे तक रहेगा टाइम इसका। आप पे एग्ज़ाम फीस कर सकते हैं 28 दिसंबर 2018 तक। एग्ज़ाम होगा फरवरी 2019 में। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे फरवरी 2019 में। जनरल OBC के लिए 370 रुपये का चालान रहेगा। SC ST के लिए 0, फिजिकल हैंडीकैप यानी दिव्यांग के लिए 0। आप पे कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड में। इसमें एज लिमिट रहेगी 27/12/2018 अनुसार 18 से 27 साल। जूनियर फायरमैन के लिए और जूनियर हेल्थ अटेंडेंट पोस्ट के लिए रहेगी 18 से 27 साल रहेगी। ऑल अदर पोस्ट के लिए रहेगी 18 से 30 साल एज रहेगी। इसमें एज सिलेक्शन एक्स्ट्रा रूल के अनुसार छूट रहेगी। और वैकेंसी डिटेल दिखा रखी है। टोटल 115 पोस्ट हैं, दिल्ली में 14, देहरादून में 101 वैकेंसी हैं। उनसे दिल्ली वैकेंसी डिटेल हैं, टोटल 14 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक वैकेंसी दिखा रखी है जिसमें एलिजिबिलिटी दिखा रखी है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम एंड इंजीनियरिंग और MSc इन दी फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स। जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट में 3 वैकेंसी हैं जिसमें बैचलर डिग्री इन साइंस BSc विद फिजिक्स एंड मैथ्स दिखा रखी हैं। जूनियर असिस्टेंट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में 4 वैकेंसी हैं जिसमें कलेक्शन दिखा रखी है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद से 10 दिखा रखी है और 30% WPM इन टाइपिंग से 30 इंच स्पीड टाइपिंग होनी चाहिए आपके पास। सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ यानी 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जूनियर फायर सुपरवाइजर में टोटल 4 वैकेंसी हैं। 10+2 पास है इंटरमीडिएट विद 6 मंथ का यानी आपके पास +2 पास होना जरूरी है। 6 महीने का एक्सपीरियंस फायर सर्विस का होना जरूरी है और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल का। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 2 वैकेंसी हैं जिसमें एजुकेशन है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या BCom विद टाइपिंग होनी चाहिए 30% WPM की यानी 30 की WPM में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में। और सर्टिफिकेट डिप्लोमा 6 मंथ का होना चाहिए आपके पास। ONGC ने देहरादून में टोटल वैकेंसी 101 वैकेंसी दिखा रखी हैं। अब से देहरादून की वैकेंसी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। असिस्टेंट टेक्निकल इंजीनियर सिविल में 80 में 3 वैकेंसी हैं। इंजीनियर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसी हैं और क्लिनिक असिस्टेंट ग्रेड 3rd ऑप्टोमेट्री में 1 वैकेंसी यानी डिग्री इन ऑप्टोमेट्री होनी चाहिए आपके पास। मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड 3rd पैथोलॉजी में 1 वैकेंसी हैं। क्या अलग अलग वैकेंसी दिखा रखी हैं, एजुकेशन के अनुसार दिखा रखी हैं, डिप्लोमा दिखा रखा है। जूनियर असिस्टेंट मेटल मैनेजमेंट में 7 वैकेंसी है। इसमें डिग्री इन साइंस BSc विद फिजिक्स एंड मैथ विद टाइपिंग 30 WPM में होनी चाहिए आपके पास, 30 की स्पीड टाइपिंग होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस लैंग्वेज में 1 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में 23 वैकेंसी हैं टोटल जिसमें एजुकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम से यानी आपके पास ग्रेजुएशन पास होना चाहिए जरूरी और उसमें टाइपिंग दिखा रखी है 30 की टाइपिंग होनी जरूरी है इसमें और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए 6 महीने का, वही अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन में 1 वैकेंसी है जिसमें 10th हाई पास स्कूल मांग रखी है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके पास होनी चाहिए। जूनियर फायर सुपरवाइजर में 14 वैकेंसी हैं टोटल जिसमें एजुकेशन दिखा रखी है +2 पास और उसमें 6 महीने का डिप्लोमा दिखा रखा है फायर का और ड्राइविंग लाइसेंस और फॉर हैवी व्हीकल से होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट में 4 वैकेंसी हैं। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट में 4 वैकेंसी दिखा रखी हैं और मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड 4th में 1 वैकेंसी है। मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड 4th में डेंटल हाइजीन में 4 वैकेंसी हैं। मेडिकल असिस्टेंट में 3 वैकेंसी हैं। मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड 4th में पैथोलॉजी में 4 वैकेंसी दिखा रखी हैं। सभी की अलग अलग वैकेंसी दिखा रखी हैं। नर्स ग्रेड 4th में 4 वैकेंसी हैं जिसमें आपके पास होने चाहिए स्टाफ नर्स का यानी मिडवाइफरी यानी आपके पास का GNM का डिप्लोमा होना जरूरी है आपके पास स्टाफ नर्स के लिए। और जूनियर फायरमैन में 5 वैकेंसी दिखा रखी हैं जिसमें 10th कलेक्शन हाई पास दिखा रखी है और मैक्सिमम विद फायरमैन ट्रेनिंग 3 मंथ्स यानी 3 महीने का आपके पास फायरमैन का डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। और जूनियर हेल्थ अटेंडेंट में 6 वैकेंसी हैं जिसमें आपके पास 10th हाई स्कूल पास विद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होने आपके लिए पास जरूरी है, वो अप्लाई कर सकते हैं।
और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक अपडेट मिल जाएगा आपको, डाउनलोड नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यदि आपने अभी तक कैरी केयर एंसर्स को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली घंटी को तुरंत प्रेस कर लें ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे जैसे हमारे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो।